दिखाई देते हैं ना मालूम ना कौन सा पाप किया था जो तुम जैसे बेवकूफ को अपना मुनीम बनाया। मां जी क्या हुआ पिताजी को? वही पुरानी रामायण। जब तक पिताजी मुनीम जी पर गुस्सा न हो जाए भला जिम्मेदारी का लड्डू कैसे हजम हो सकता है। आज तो बोलो साहब, मैं लायक कहीं का बड़ों का मजाक उड़ाता है? मजाक नहीं माँ, ये तो मैं फलसफा बयान कर रहा हूँ फलसफा। और फिर आजकल हमारे भैया जो आए तुम मुर्गे हो जी हुजूर, घन चक्कर हो जी हुजूर, चरखा हो जी हुजूर, उल्लू हो जी हुजूर। जरा संभल के गिरा करो मुनीम जी। देखकर क्यों नहीं चला करते? मैं तो देखकर ही चलता हूँ सरकार, आपकी छड़ी देखकर नहीं चलती। चुप रहो, मेरी छड़ी तुमसे ज्यादा समझदार है। क्यों रामू? जी सरकार, मुनीम जी बहुत ही ढीले हैं सरकार। चुप है, नौकर को मुनीम जी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। जी माय बाप, आज किसान लगान नहीं देंगे तो कल जिम्मेदारी का सत्यानाश हो जाएगा। क्यों जी, मैं ठीक कहता हूँ ना? मुमकिन है किसानों पर कोई मजबूरी आ गई होगी, वरना रहने भी दो। रुपए पैसे के मामले में औरतों को पूछना बोया झक मारना है। क्यों बसंत, मैं ठीक कहता हूँ ना? जी नहीं माता जी, ठीक कहते हैं। अगर आज आप किसानों की मजबूरियां समझेंगे तो कल लगान क्या, वो अपनी जान भी कुर्बान कर दे। बड़ा ढीठ है, बीए पास करके आया है तो बाप का सामना कर... उनको बदनाम किया जाता है। क्या वो हमारी तरह इंसान नहीं? क्या हम में इंसानियत इतनी कम रह गई है कि हम उनको समझ ना सके और उनकी मुसीबतों को कम ना कर सके? हेयर 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 हेयर, भैया तुम्हें तो देश का नेता होना चाहिए था। नेता नेता हो या ना हो, आदमी हर तरह अपने देश की सेवा कर सकता है। मैं खुद बसंतपुर जाकर गांव वालों को करीब से देखना चाहता हूं। जरूर जरूर, मगर हां भूले से किसी गांव वाली को करीब से ना देख लेना, वरना भैया गए काम से। ये भी ठीक है, मगर मैं होशियारी से काम लूंगा। बताऊंगा इस तरह, आंखें उठाओ फिर मैं बताऊंगा इस तरह, बताऊंगा इस तरह। दूर से मिल जाएं जिस तरह हो, मिल जाएं जिस तरह, दो लहरें आके दूर से मिल जाएं जिस तरह हो, मिल जाएं जिस तरह। आता है जिंदगी में भला प्यार किस
तूफान में नाव चलती है बच बच के जिस तरह हो बच बच के जिस तरह तूफान में नाव चलती है बच बच के जिस तरह हो बच बच के जिस तरह आता है जिंदगी में भला प्यार किस तरह भला प्यार किस तरह जाने बूझे मुझको भरोसा है जिस तरह भरोसा है जिस तरह बेजाने बूझे मुझको भरोसा है जिस तरह भरोसा है जिस तरह आता है जिंदगी में भला प्यार किस तरह भला प्यार किस तरह आंखें उठाओ फिर मैं बताऊंगा इस तरह बताऊंगा इस तरह देने के बजाय जल सर जाया है अभी मैं सबको सीधा किया देता हूं क्या गड़बड़ मचा रखी है मुनीम जी ये तो आफत हो गई अरे राम 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 परदेसी अब तुम्हारी खैर नहीं सीधे मोतीपुर भाग जाओ वरना अरे लखू जल्दी पानी ला डाल दे डाल हाय हाय मुनीम जी मर गए मर गया अब कौन मर गया मर जाए तुम्हारा बाप मर जाए तुम्हारा नहीं इतनी जल्दी मरता है कहीं गुस्से को छोड़ दीजिए मुनीम जी क्षमा कीजिए मुनीम जी क्षमा क्षमा क्या लगा रखी है कहाँ है वो बदमाश जिसने मुझे फुटबॉल की तरह पछाड़ दिया अरे मुनीम जी अभी लेकर आता हूँ आपको तो उसने तीन का हिंसा बना दिया अभी लेकर आता हूँ सब कहाँ गया परदेसी का बच्चा मुनीम जी की हड्डियां पसलियां नरम करके यहाँ छुपा हुआ है मुनीम जी ये रहा वो जिसने आपको बेकार में उल्टा सीधा कर दिया मैंने उल्टा नहीं भाई ठीक किया तो कुछ किया भाई ठीक किया है तो आप ये रहा वो परदेसी का बच्चा अरे परदेसी की तो ऐसी की तैसी बसंत बाबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं मैं यूं ही जरा सैर करने निकला था बातों बातों में गंगू से कुश्ती लड़ना शुरू कर दी माफ करना मुनीम जी मैंने आपको गलती से पटक दिया शुभ 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 ये आप क्या कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ क्या क्या चोट आई क्या नहीं नहीं हाथ पांव का सारा दर्द निकल गया जवानी में मैं भी तो कुश्ती खेला करता था मुनीम जी एक दो दो हाथ हो जाए ना अखाड़े में कहाँ है वो चौधरी कहिए कहिए देखो चौधरी मैं तुम्हें छोटे सरकार के रूबरू ये हुक्म सुनाता हूँ छोटी सरकार छोटे सरकार छोटे सरकार छोटी सरकार हाँ हाँ बसंत बाबू यानी छोटे सरकार सुनो चौधरी अगर तुमने 10 दिन के अंदर अंदर लगान के सारे रुपए नहीं दे दिए तो गांव को आग लगा दी जाएगी हाँ हमारे सरकार का मिजाज बहुत गर्म है हाँ अबे ओ नथू कल्लू चंदू चला दस दिन याद रखना 10 दिन तबे जल्दी इस मनहूस गांव से निकल चले
खानदानी मुनीम की बेइज्जती। ओ चलो चलो चौधरी आप चले जाइए यहां से। कमला तारा कमला मैं बड़े घराने के लोग ऐसे ही धोखेबाज होते हैं क्या? मगर मैं तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं आया बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए। गहरा जख्म किया है आपने, अब नमक छिड़कना चाहते हैं। मगर मेरी बात तो सुनो कमला। मुनीम जी ने कुश्ती का मजा ही किरकिरा कर दिया। भगवान कसम जब मैं कलकत्ते में कोरियों का सरदार था तो अपना काम यूं ही निकाल लेता था। बाबूजी कुछ भी हो आप हमारे मेहमान हैं और एक मेहमान की इज्जत करना हम किसानों का धर्म है। गंगू ने जो भी सलूक किया है उसकी मैं माफी चाहता हूं। अब आप यहां से चले जाइए। भाई तबीयत सफा करके रख दी क्यों भाई लालचंद? देखे मेरे हाथ? अरे क्या बात है। अबे ये तो चौधरी आ गया था बीच में, नहीं तो भगवान कसम मार मार के फुरता बना देता। ठीक है बराबर। जो आदमी अपने बचाव में उंगली भी ना उठाए उस पर वार करते शर्म ना आई तुम्हें? क्या सरकार सरकार जी जी मैं क्या बकरी की तरह से मैं कर रहा है? मैं तो पाई पाई वसूल करके आता मगर 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 क्या मगर छोटे सरकार के कारण सारा मामला खटाई में पड़ गया। बसंत वहां मौजूद था, तेरा सर तो नहीं फिर गया? जी सर क्या सारा मुंह फिर जाने का खतरा था, इस जोर से पटका है कि अभी तक हड्डी पसली टुमरियां बजा रही हैं। बसंत जी पिताजी गांव क्यों गए थे? ये मालूम करने के किसान लगान क्यों नहीं देते। शाबाश तुम बहुत समझदार हो, अब तुम्हें पता चला होगा कि वो लोग गवार के साथ साथ बदमाश भी हैं। जी नहीं, मुझे तो ये मालूम हुआ है कि गांव वालों के दिलों में इज्जत और मेहमानदारी का गहरा ख्याल रहता है। तुम भी बुद्धू ही निकले, अरे घोड़ा घास से मोहब्बत करेगा तो खाएगा क्या? यही तो बात है। खामोश, तुम खरगोश हो, घनचक्कर हो, बेवकूफ हो, नालायक हो, गधे हो। तुम घनचक्कर हो, बुद्धू हो, नालायक हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ अपना काम करो। मुनीम जी मैंने कहा जरा संभल के गिरा करो, संभल के। भला आपको क्या जरूरत थी कि भैया की शिकायत की? हाँ पूछो तो सही भला है। आइंदा ऐसा ना करना वरना आज सीढ़ियों से लुढ़क पड़े हो कल खिड़की से गिर पड़ोगे, समझे? हाय हाय कल जो गया है खानदानी मुनीम की भी कोई परवाह नहीं करता। क्या सोच रही हो दीदी? कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या जानती हूँ? वही नदी का किनारा हो, सम्मा प्यारा प्यारा हो और बसंत बाबू। बसंत बाबू मेरे कोई नहीं। ना हो तो ना सही, लेकिन मुझे एक बात तो बताओगी? दुनिया वालों मुझे बताओ, दुनिया वालों मुझे बता...
क्या है सच्चा प्यार बताओ क्या है सच्चा प्यार बताओ क्या है सच्चा प्यार सखीरी यही है सच्चा प्यार सखीरी यही है सच्चा प्यार एक बंगला हो ऊंचा ऊंचा एक बंगला हो ऊंचा ऊंचा नहीं हो मोटर कार नहीं हो मोटर कार पिया कहे ये हाथ जोड़कर पिया कहे ये हाथ जोड़कर हुक्म है क्या सरकार हुक्म है क्या सरकार सखीरी यही है सच्चा प्यार सखीरी यही है सच्चा प्यार दुनिया वालों मुझे बताओ दुनिया वालों मुझे बताओ क्या है सच्चा प्यार बताओ क्या है सच्चा प्यार बताओ क्या है सच्चा प्यार पति अगर मजदूर भी हो तो पति अगर मजदूर भी हो तो समझो साहूकार समझो साहूकार प्यार की नजरों से देखो तो प्यार की नजरों से देखो छकड़ा है मोटर कार छकड़ा है मोटर कार सखीरी यही है सच्चा प्यार सखीरी यही है सच्चा प्यार इधर हो ना कर उधर हो ना कर इधर हो ना कर उधर हो ना कर झुके वो सौ सौ बार झुके वो सौ सौ बार जमा हूँ मेरे नाम बैंक में जमा हूँ मेरे नाम बैंक में पूरा साठ हजार पूरा साठ हजार सखीरी यही है सच्चा प्यार सखीरी यही है सच्चा प्यार दुनिया वालों मुझे बताओ दुनिया वालों मुझे बताओ क्या है सच्चा प्यार बताओ क्या है सच्चा प्यार बताओ क्या है सच्चा प्यार अरे बातों बातों में भूल ही गई थी पानी भरने जाना है जा बहन जा नदिया किनारे तेरे शाम तो बंसी बजा रहे होंगे भगवान जाने अपनी घड़ी कब आएगी चुप पगली कहीं की दिल की बात जबान पर नहीं लाती बसंत बाबू कमला मैं तुम्हें धोखा देने नहीं आया था मेरी बात तो सुनो हाय रफ्ता रफ्ता तेरी तस्वीर बना जाता हूं भाई साहब मोहब्बत घंटा घर है और दिल उसका खटका अब आप ये बताइए कि आपका दिल कहाँ अटका हमें यार मजाक मत करो मेरा जी ठिकाने नहीं ठिकाने कहाँ से हो वो तो जनाब नदी के किनारे छोड़ाए हैं अमा तुम तो अभी बच्चे हो तुम क्या समझो सच्चे प्यार अच्छा तो फिर आप ही बताइए कि सच्चा प्यार किस चिड़िया का नाम है दुनिया वालों मुझे बताओ दुनिया वालों मुझे बताओ क्या है सच्चा प्यार बताओ क्या है सच्चा प्यार बताओ क्या है सच्चा प्यार रात रात भर रोए चकोरी रात रात भर रोए चकोरी करे चांद से प्यार चुपके जले पतंगा चुपके चुपके जले पतंगा कभी न करे पुकार
कभी न करे पुकार, मेरी जान यही है सच्चा प्यार, मेरी जान यही है सच्चा प्यार। दुनिया वालों मुझे बताओ, दुनिया वालों मुझे बताओ, क्या है सच्चा प्यार, बताओ क्या है सच्चा प्यार, बताओ क्या है सच्चा प्यार। प्यार नाम है हंसी खुशी का, प्यार नाम है हंसी खुशी का, रोना है बेकार, रोना है बेकार। घुमरे रहे सलामत राजा, घुमरे रहे सलामत राजा, खिलेंगे फूल हजार, खिलेंगे फूल हजार। मियाँ जी यही है सच्चा प्यार, मियाँ जी यही है सच्चा प्यार। दुनिया वालों मुझे बताओ, दुनिया वालों मुझे बताओ, क्या है सच्चा प्यार, बताओ क्या है सच्चा प्यार, बताओ क्या है सच्चा प्यार। हाथ पकड़ कर हाथ न छोड़े, हाथ पकड़ कर हाथ न छोड़े, छोड़े सब संसार, छोड़े सब संसार। हाथ पकड़ कर हाथ न छोड़े, हाथ पकड़ कर हाथ न छोड़े, छोड़े सब संसार, छोड़े सब संसार। उसको कभी न भूले जिसको, उसको कभी न भूले जिसको, अपना कहे एक बार, अपना कहे एक बार। मेरी जान यही है सच्चा प्यार, मेरी जान यही है सच्चा प्यार। दुनिया वालों मुझे बताओ, दुनिया वालों मुझे बताओ, क्या है सच्चा प्यार, बताओ क्या है सच्चा प्यार, बताओ क्या है सच्चा प्यार। हुआ पुराना इस दुनिया में, हुआ पुराना इस दुनिया में, अब मजनू का प्यार, अब मजनू का प्यार। हुआ पुराना इस दुनिया में, हुआ पुराना इस दुनिया में, अब मजनू का प्यार, अब मजनू का प्यार। वहीं गुजारो दो दिन राजा, वहीं गुजारो दो दिन राजा, जहाँ हो आँखें चार, जहाँ हो आँखें चार। मियाँ जी यही है सच्चा प्यार, मियाँ जी यही है सच्चा प्यार। दुनिया वालों मुझे बताओ, दुनिया वालों मुझे बताओ, क्या है सच्चा प्यार, बताओ क्या है सच्चा प्यार, बताओ क्या है सच्चा प्यार। अच्छा भाई आनंद, मजाक तो हुआ। अच्छा अब तुम मेरा एक काम करो। फरमाइए। कमला को गलत फहमी हो गई है, इसलिए मैं उसके पास जा नहीं सकता। अच्छा, तो आप महाशय का ये मतलब है कि मैं आपका पोस्टमैन बन के जाऊं? हाँ यार, तुम तो अकलमंद बन गए, और आपकी तरह गर्म गर्म मिठाई खाकर वापस आऊं? ना बाबा, ये मुझसे ना होगा। ये बात है? हाँ। अच्छा तो चलो। चले जाओ। चले जाएंगे। अच्छा भाई चले जाएंगे, आखिर यहाँ बैठे भी क्या मक्खियां मार रहे हैं। मगर हाँ, पिताजी की छड़ी का ख्याल रहे, वरना भैया दोनों गए काम से। हाँ हाँ, उसका ख्याल रहेगा। अरे माशूक जहां में लाखों हैं, तकदीर लड़ेगी कहीं ना कहीं। अच्छा हुआ कि आप बची, और ये बुरा हुआ कि तुम नहीं मरे। गए काम से। गए काम से जी। कौन हो तुम? एक मुजरिम समझ लीजिए, जो चाहे सजा दीजिए, उफ नहीं करूंगा। सबसे पहले दूसरा मटका ला दो, वरना अंजाम बुरा होगा। चौधरी की बेटी हूँ, चौधरी की। चौधरी की बेटी? तो बसंत भैया ठीक कहते थे। बसंत बाबू, जमींदार साहब का बेटा? जी सरकार, और मेरे बड़े भाई। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, अब पहचान लीजिए, जहाँ से जागे वहीं से सवेरा। कितनी अच्छी है। बहुत ही सुंदर। क्या कहा जी? मेरा मतलब है कि ये गाड़ी आप अपनी ही समझिए।
तो मैं इसके अंदर बैठूं? जरूर जरूर आइए। अजी अगर आप कहें तो सारा शहर घुमा लूं। बहुत दिनों से मैं छकड़े में मोटर में बैठना चाहती थी। कितनी अच्छी मोटर है। और जरा ड्राइवर को भी गौर से देख लीजिए, ये भी कुछ कम नहीं है। बड़े मस्तरे हैं जी आप। क्या अर्ज करूं, बहुत पुरानी आदत। गोरी तेरे नैन भाई कजर बिन। तारा कल मिलोगी ना? मैं तो जरूर आऊंगी, लेकिन आपको भी याद रहेगा। क्यों नहीं, ये लाजवाब हुस्न। और आनंद बाबू, मैं गरीब किसान की बेटी हूँ और आप जमींदार के लड़के, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दोगे? ऐसा कभी हो सकता है तारा? मैं सच कहता हूँ, अगर पिताजी का डर होता तो आज ही लगन कर लेता। लगन तो आज भी हो सकता है। वो कैसे? वो देखो भगवान का घर, वहां जाकर हम दोनों हाथ में हाथ मिलाएं और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। ये कौन सी बड़ी बात है, आज चुपके से ब्याह किए लेते हैं, वक्त आने पर धूमधाम से बारात निकालेंगे। चले मंदिर चले। मुझे तारा की रीत पसंद नहीं है। ना समझ है बापू। कुछ भी हो, अब उसका दिन भर बाहर रहना ठीक नहीं। वो आ जाए तो उसे ये बात अच्छी तरह समझा देना, मुझे पंचायत में जाना है। तारा दीदी, इतनी देर से कहाँ थी? पानी भरने गई थी। मगर तेरा घड़ा कहाँ है? घड़ा वो तो टूट गया। तलवार की धार पर से नंगे पांव गुजरने का नाम ही जवानी है। तुम्हें तो जलने की आदत पड़ गई। चकोर चांद से मोहब्बत करता है, भौरा फूल से, पतंगा दीपक से, और ये सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। मोहब्बत करना पाप नहीं है, मगर मोहब्बत में बहक जाना बहुत बड़ा पाप है। भगवान, लाज रखना। मजा देते हैं क्या यार तेरे बाल घूंघर वाले। तुम आ गए आनंद? मैं नहीं आया तो क्या आप मेरे भूत से बात कर रहे हैं? कमला से मुलाकात हुई? नहीं। कमला से तो नहीं, मगर कमला की बहन तारा से जरूर मुलाकात हुई। भैया तुम बिल्कुल सच कहते थे, गांव की खूबसूरती गांव की लड़कियों में। हमारे यार कमला के मुतल्लिक कुछ सुनाओ, क्या वो अब तक मुझसे खफा है? खफा? अरे कमला की बहन तारा कहती थी कि वो तो दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपती है। माला? सच? सच। तो फिर मैं कल ही गांव जाकर उससे मिलूंगा। मगर नहीं, परसों। कल तो लगान वसूल करने का आखिरी दिन है। हाँ परसों, परसों मैं जरूर जाकर मिलूंगा। आज तो तुम्हारा भी खत आया है चौधरी। खत पढ़ने को जी नहीं चाहता, फिर पढ़ लेंगे। 10 दिन हो गए, अब 11 बज चुके हैं। मुनीम जी लगान वसूल करने आते ही होंगे। अबे हट, क्या भेड़ों की तरह जमा हो गए हैं?
मैं कहता हूँ चौधरी कहाँ है? चौधरी, ये लो, बिल्ले का नाम लेते ही म्याँ म्याँ करने लगा। नीचे उतारो बिल्लों के बच्चे। पधारिए मुनीम जी। आइए मुनीम जी, आइए। क्या पियोगे? लस्सी या गन्ने का रस? खैरियत तो है? यहाँ तो बराबर खैरियत ही रहती है चौधरी, मगर कुछ पैसे वैसे का इंतजाम किया है या नहीं? अगर कुछ होता तो अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले ही दे देता। इज्जत और गरीबी एक ही घर में नहीं ठहरा करते। जबान पर काबू रखो मुनीम जी। चौधरी तुम तो बुद्धू ही रह गए। मैं तो तुम्हें ऐसी तरकीब बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम भी बन जाए और मेरी नाक भी बच जाए। खूबसूरत और जवान लड़कियां हैं मुनीम जी, एक का सौदा कर लो, रुपए ही रुपए, रुपए ही रुपए। बेटा तुम यही खड़ी रहो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। देखो देखो, तुम सब मेरे साक्षी रहना। ये मुझे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। तुम सब मेरे गवाह रहना। गंगू भैया तुम भी मेरे गवाह रहना। ये धनवानों की गुलामी करते करते अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लग गया। अरे बड़ा क्या, अपना बाप समझ लो, दादा समझ लो। बाप बनने आया कहीं का, मर क्यों नहीं जाता कलमुआ? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मगर मुनीम जी, कौन से कानून से ये काम कर रहे हैं आप? कानून? कानून हमेशा हमारे साथ रहता है। ये देखिए कुर्की के वारंट, देखिए। खानदानी मुनीम, खानदानी मुनीम। तुम जैसे गंवारों को मुंह लगाने से कोई फायदा नहीं होता। जीरू ठहर जा, खड़ा कर। अरे खड़ा भू क्या देख रहा है? निकालो सब सामान, रख दो इस बैलगाड़ी में। है? लेकिन मुनीम जी, ये बैलगाड़ी तो मेरी है। तेरी नहीं, तेरे बाप की है। बड़े घर का कुत्ता बड़ा नहीं हो जाता। अभी इसका भूखना बंद करती हूँ। तारा, तारा कैसे थी? तारा क्या करती है? क्या करती है तारा? अगली हजार झगड़ी है। मुनीम जी दया करो, हम आपसे भीख मांगते हैं। आंसू नहीं, पैर पर रुपए रख दो, रुपए। भीरू या तुम भी कठोर हो गए। चौधरी मैं ऐसा काम कभी न करता, लेकिन ये मेरा भूखा पेट इस महीने उस काम करने को मजबूर करता है। चल चल, भूखा पेट का बच्चा, चल चल। अरे इस मासूम बेजबान को तो रहने दो। रहने क्यों दे, बेच देंगे तो इसका भी पैसा आएगा, पैसा। जी बापू, ये सब क्या हो रहा है? मरने के लिए बाप दादा की झोपड़ी तो छोड़ जाते। अब जो कुछ कहना है हमारे सरकार से कहना। चलो जाने दो। भगवान, तेरे बच्चे तेरी गोद से अलग किए जा रहे हैं और तू खामोश है। तेरी लीला तो अपार है, तू तो बड़ा दयालु कहलाता है। आज कहा है तेरी दया भगवान, आज कहा है तेरी दया भगवान। देखिए
रुपए कहाँ से लाई तू? रघु चाचा ने जो चिट्ठी दी थी उसमें से निकले हैं। जरा पढ़ो तो चाचा क्या लिखा है इसमें। आपको लगान के लिए रुपये की जरूरत है, इसे कबूल कीजिए। आपका सच्चा मित्र। मनुष्य मर सकता है, ईश्वर नहीं। अबे फिर क्यों टपक पड़ा? तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। हमारा मुंह सिर्फ रुपया बंद कर सकता है। रुपया? कितने रुपए हैं तुम्हारे? 81 रुपए 9 आने। मेरे नहीं, सारे गांव के बता दो। 975 रुपए 9 आने। तो लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 पूरा। संभालो अपना पाप। बाकी देना 24 रुपया। ये भी अपने पास रहने दो और भगवान को फूल चढ़ाओ कि वो तुम्हारे पाप धो डाले। अरे चौधरी, तुम तो बेकार गर्म हो जाते हो। लगान मिल गया, नाक बच गई। चौधरी, अब हम तुम दोस्त हैं। अबे धीरू और नसू कलू, चौधरी को सलाम करो। नमस्ते। सब सामान मकान में वापस रख दो। खबरदार कोई चीज टूटने ना पाए। हाँ। दीदी, ये हमारा तारनहार कौन होगा? मेरा दिल तो ये कहता है कि ये जरूर बसंत बाबू होंगे। बसंत बाबू? गंगू भैया, नदी का रास्ता कौन सा है? जाते जाते दो डुबकियां लगा लो। मुनीम जी, चौधरी के घर के पीछे से चले जाइए, जल्दी पहुंच जाएंगे। इधर से? हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। अरे हट हट, बेवकूफ लोग, भूत। अबे धीरू, बेई और छाता संभाल। हम स्नान करने जा रहे हैं, ये भी ले। बहुत अच्छा। तू पहलवान, मुनीम जी रुपए लेकर वापस भी जा रहे हैं, मगर मेरा रुपया? अबे दे दूंगा, मरता क्यों है? भगवान कसम, जब कलकत्ते में मैं पुलिस। हाँ 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 हाँ, तुम कलकत्ते में सब कुछ थे, मगर यहाँ आकर कौड़ी के तीन हो गए। अगर कल तक मेरा कर्जा नहीं दिया तो तुम्हारी ऐसी बेइज्जती हो जाएगी कि पूछो मत। क्यों? शिव नमो हरे हरे गंगे जमने। ओम शिव शिव नमो हरे हरे गंगे जमने। ओम ओम। पानी तो बहुत ठंडा है। कौन हो तुम? क्या क्या चाहते हो? इतना रुपया लेकर तू सलामत नहीं जा सकता। अगर खैरियत चाहता है तो उसमें से आधे मुझे दे दे। जा जा, किसको ढाने आया है? मैं जमींदार का मुनीम हूँ, खानदानी मुनीम। भगवान कसम, तू यूं नहीं मानेगा। क्यों? तूने मुझे पहचान लिया?
हजार रुपए, ये बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं मुनीम जी की लाश और चौधरी के हाथ में छुरा। अरे राम राम राम, ये खून मैंने नहीं किया। तो किसने किया है ये खून? मैं क्या जानू, मैं नहीं जानता। गुस्सा बुरी चीज होती है, भगवान कसम मुनीम जी ने चौधरी जी की इज्जत पर हमला किया, सामान उठवा लिया, मकान में ताला लगवा दिया। बेचारा गरीब चौधरी, क्यों? गलत, झूठ, बापू कभी खूनी नहीं हो सकते। तो बिटिया तुमने कुछ देखा है? मैं क्या जानू, हम तो आप लोगों के साथ चौक में थे। बेचारी बड़ा प्यार करती है अपने बाप को, भगवान कसम। इस फिल्म के साथ ही अब हमें इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि। पैसे भी तो मौजूद हैं, खून का कारण चोरी भी तो नहीं हो सकता। हे भगवान, हे भगवान। चौधरी, हम सब तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं, मगर ये मामला अदालत में जाकर ही रहेगा। मैं मजबूर हूँ, मुझे अपना फर्ज पूरा करना होगा। रामू शामू, इस लाश को भी उठा कर ले चलो। मैं निर्दोष हूँ बेटा। बापू, बेटी धीरे रखो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। ये सब क्या हो रहा है? जिंदगी में दो ही तो सहारे थे, बापू चले गए और बसंत बाबू की तो सिर्फ याद ही रह गई है। देख ली
रात की दुनिया देख ली, आज अपने दिल में एक हसरत की दुनिया देख ली, ठोकरे खाती हुई अपनी तमन्ना देख ली। आज दुनिया में नहीं कोई भी हमसा बदनसीब, कोई भी हमसा बदनसीब, सामने आंखों के लुटती दिल की दुनिया देख ली, सामने आंखों के लुटती दिल की दुनिया चौधरी जैसा शरीफ आदमी मुनीम जी का खून करे, इसका मुझे यकीन नहीं आता ना। मैं कमला से मिलने जाता हूं। भैया गए काम से। बसंत बाबू, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं और कैसे माफी मांगूं? शुक्रिया? माफी मांगने का कारण? कोई जाने या ना जाने, मैं तो जानती हूं कि लगान के रुपए आप ही ने भेजे थे। ओ, वो तो मेरा फर्ज था। कमला, मैं पहले तुम्हारा प्रेमी बनकर आया था और आज तुम्हारा दास बनकर आया हूं। दास? ऐसा न कही, मेरा दिल मगरूर हो जाएगा। सच्ची मोहब्बत पर जितना भी गुरूर किया जाए कम है। न जाने इस सपने का अंजाम क्या होगा। अच्छा ही होगा। हाँ कमला, मैं तुम्हें ये कहने आया था, जब तक कि मैं तुम्हारे पिताजी को रिहा न करा लूं दम न लूंगा। मेरी तरफ से इतना। मगर आपके पिताजी? उन्हें मैं समझा लूंगा। तुम्हारे ख्याल के मुताबिक हम कौड़ी के तीन थे, अब हमारी कीमत बढ़ जानी चाहिए, यानी कौड़ी का एक। ये सर क्या तफरी कर रहा है? क्या बात है तारा, चुप चुप क्यों? आनंद बाबू, अपने पिताजी पर हमारे ब्याह का भेद कब तक जाहिर करोगे? वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता न करो। अगर मैं अकेली होती तो कभी चिंता न करती। तारा? हाँ आनंद, मैं मां होने वाली हूं। ओह, अब ज्यादा देर न करना वरना बिगड़ी कभी नहीं बनेगी। हाँ, मगर पिताजी को कैसे मनाऊं? वो तो ये सुनते ही सारी जायदाद से मुझे अलग कर देंगे।
क्या तुम मुझे धोखा दोगे? नहीं नहीं तारा, याद रखो मैंने उस पवित्र मंदिर में तुमसे ब्याह किया था, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाया है। अब मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ तारा? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अगर पिताजी ने मुझे सारी जायदाद से महरूम कर दिया तो मेरा क्या होगा? अनंत बाबू, तारा इस वक्त मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुमसे फिर मिलूंगा। अच्छा आनंद बाबू, दैया को क्या हो गया है? तारा, तारा कहाँ हो तुम? तेरी नहीं रही, पर मैं क्या करूं दीदी, जो मैं कहूं। कल सुबह होते ही कोई बहाना निकालकर हमें यह गांव छोड़ देना होगा, पर हम जाएंगे कहां? हरिपुर सरला बाई के मकान पर, वहां ये भेद छुप सकता है, लेकिन कब तक? जब तक कि तू मां ना बन जाए। कसूरवार ठहराया है, इसलिए मुनीम जी के खून के जुर्म में इसको 7 साल की सख्त सजा दी जाती है। जाने की हिम्मत नहीं होती दीदी। हिम्मत तो रखना होगी तारा, बापू को सजा हो गई है, उनसे मिलना बहुत जरूरी है, फिर आगे भगवान की मर्जी, वही हमारी सहायता करेगा।
मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है दीदी, वचन दो। तारा, 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 मैं वचन देती हूँ। मेरी अच्छी दीदी, मेरा लाल कहाँ है? तुम्हारा लाल, तुम्हारा लाल बिल्कुल ठीक है तारा, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तारा, तारा, मेरा बच्चा, देखो तारा, मेरे लाल, मेरे बच्चे, लाल, तारा, 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 कब तक तुम इस तरह बेचैन फिरते रहोगे बेटा? ये तो ऐसा मालूम होता है जैसे तुम्हारी माँ मर गई हो। क्या करूं माता जी, कमला की याद मुझे बहुत सता रही है। माता जी, क्या हुआ बसंत? वो हरिपुर वाली ट्रेन जिसका एक्सीडेंट हुआ था ना, हाँ हाँ, उसमें कौन कौन आदमी बच गया उसकी लिस्ट पढ़ रहा था और उसमें कमला का नाम मौजूद है, ये देखो। कमला। आज मेरी कमला बसंतपुर में जरूर आ गई होगी और मैं उसे आज ही मिलने जाता हूँ। माता, अब पिताजी आप माफ कीजिए, माफ। क्या है जी? कुछ नहीं, टोपी भूल गया था, ले लो। जगू दादा, कमला आ गई। जगू दादा और साथ में बच्चा भी है गोद में। बच्चा? बच्चा वो देखो आ रही है। कमला बिटिया। दादा, आज सवेरे ही गांव में थाली पीटी गई जिससे सारा हाल मालूम हुआ। बेचारी तारा, अब ये खबर चौधरी को कैसे पहुंचाई जाए? ईश्वर की लीला न्यारी है भैया। तो इसीलिए कमला गायब हो गई थी? अरे ये कहो कि कमला बच्चा लाने गई थी। कमला, ये बच्चा तेरा है? मेरी गोद में है तो और किसका होगा? कितने प्यार से बच्चे को गोद में लिए हुए है। क्यों नहीं, ऐसा जान सा बच्चा क्या रास्ते में फेंक दिया जाता है? और इसका बाप? तुम्हें इससे क्या मतलब? आइए जग्गू दादा, अंदर तो आइए। नहीं बेटा, मुझे काम है, तुम जाओ, तुम्हारा मकान सब साफ सुथरा। आप तो आइए रघु चाचा। नहीं बेटा, मुझे डाक बांटना है। सबको बुलाया, मुझे को भूल गई। भगवान कसम कमला, दिन ब दिन तेरी सुंदरता और बढ़ती जाती है। बिना पूछे अंदर क्यों आए? मैं तो बाहर ही खड़ा था, दिल खींच कर अंदर ले आया। गंगू, कमला, मैं तेरे सारे पाप अपने सर लेने को तैयार हूँ। कलकत्ते में मैं जब कुलियों का सरदार था तो फौरन चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सारे गांव को जमा कर लूंगी। गांव वाले तो कल जमा होने ही वाले हैं, ये बच्चा देख लिया है उन्होंने, पंचायत तेरी खाल उधेड़ कर रख देगी।
पंचायत। अगर आने वाली मुसीबत से बचना चाहती है तो मुझसे लगन कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे ये गंदे शब्द सुनना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं ना कहता था कि गंगू जो कुछ चाहता है उसे हासिल करके ही रहता है? गंगू हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ मैं कहती हूँ। पुकार अपने गांव वालों को और देख तेरी फरियाद कौन सुनता है। गंगू, गंगू छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ। कह दिया कि गंगू के हाथ से तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। भूलो मत, बसंत अभी जिंदा है। बसंत बाबू। कमला आप कैसे आ गए? जल्दी करो कमला, मैं तुम्हें लेने आया। लेने आए हो, क्या करोगे अब ले जाकर? माता जी राजी हो गई हैं, मैं तुमसे आज ही शादी कर लूंगा। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? मैंने कहा सरकार, अब कमला का ख्याल छोड़ दीजिए, ये मेरी बन चुकी है। बदमाश कहीं से क्या बकता है तुम? बसंत बाबू, यहाँ तो भाई अच्छी नहीं। ठहरो, मैं जो कहता हूँ ठीक कहता हूँ, तुम नहीं मानते तो देख लो। ये बच्चा किसका है? बताएगी कैसे, ये मुन्ना मेरी और कमला की मोहब्बत की जीती जागती तस्वीर है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कमला तुम क्यों नहीं बोलती? मैं निर्दोष हूं बसंत बाबू, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये बच्चा हमारा है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? कमला साफ साफ जवाब क्यों नहीं देती, सच सच क्यों नहीं बताती? मैं सौगंध खाकर कहती हूं कि ये बच्चा गंगू का नहीं है। तो फिर किसका है? ये मैं नहीं बता सकती। ये बच्चा मेरा है बाबू साहब। समझ गया। क्या समझे आप? कमला मैंने तुझे गांव का फूल समझा था, मगर तू रास्ते का कांटा निकली। आसमान का चांद समझा था, मगर तू जमीन का कीड़ा साबित हुई। बसंत बाबू, मैंने चाहा था कि लगन करके तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखूंगा, मगर तुम इस लायक नहीं हो, भूल जाओ मुझे। बसंत बाबू, अब मेरी आंखें तुम्हें नफरत से भी देखना नहीं चाहती। मोहब्बत अंधी होती है, बेगैरत नहीं। बसंत बाबू, सर से ऊंचा हो गया है कमला, मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर तूने मेरी बात न मानी तो याद रख, कल इसी वक्त पंचायत को बुला लूंगा और फिर देखना कि किसकी हार होती है और किसकी जीत। संत बाबू चले गए, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, भगवान कसम। जो भूले हैं तुझे ऐ दिल, उन्हें तू याद करता जा। पसंद आए उन्हें फरियाद तो फरियाद करता जा। जो भूले हैं तुझे ऐ दिल, उन्हें तू याद करता जा।
करता जा। बालम, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरा दामन पाक है। जमाने की गर्दिश में फंसी हुई एक निर्दोष औरत और क्या कह सकती है। बालम, अब मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि मैं हमेशा के लिए बसंतपुर छोड़कर जा रही हूं, वहां जहां किस्मत ले जाए। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। अपने लिए क्या मांगूं जब तुम ही मुझसे रूठ गए हो। मैं तो यही समझती हूं कि सारा जमाना मेरा दुश्मन हुआ है, इसी कारण मैं गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हूं। इसीलिए मैं गांव छोड़कर जा रही हूं कमला। तो फिर अब आपका क्या ख्याल है भाई साहब? कुछ भी नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। आंखों से देखा हुआ भी गलत हो सकता है। यानी? वो बच्चा किसी और का भी हो सकता है। मगर कमला ने अपने मुंह से इनकार क्यों नहीं किया? हो सकता है कि वो बच्चा कमला का हो। ये बच्चा तारा का तो नहीं होगा, मेरा ही बच्चा होगा। जरूर वो मेरा ही बच्चा है। नहीं नहीं, मैं अपना भेद किसी पर जाहिर नहीं कर सकता। अगर पिताजी को इस बात का पता लग गया तो वो मुझे सारी जायदाद से अलग कर देंगे और मैं हमेशा के लिए घर से निकाल दिया जाऊंगा। न जाने बेचारी कमला इस वक्त कहां कहां ठोकरें खाती होगी। बाबूजी, भूल से धक्का लग गया। कोई हर्ज नहीं, मैं तुम्हें दो दिन से देख रहा हूँ कि बच्चे के साथ तुम इधर उधर भटक रही हो। अजी, मैंने कहा कि मेरे साथ चली चलो, मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म कर दूंगा, समझी? नहीं नहीं, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। कहाँ बच के जाएगी? छोड़ दो, कहाँ बच के जाएगी? छोड़ दो ड्राइवर, पकड़ो उस बदमाश को। यह
ये भी बहुत अच्छा हुआ कि मैं मौके पर आ पहुंची। आपने मुझे बचा लिया, बड़ा उपकार किया। ठहरा तो सही। नहीं, मुझे जाने दीजिए। अकेली पैदल कहाँ जाओगी? मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे मकान पर छोड़ दूंगी। मेरा मकान? मेरा तो कोई मकान नहीं। मकान नहीं है तो रहती कहाँ हो? जहाँ थक जाती हूँ वहीं। ओह बहन, कम से कम अपना नाम तो बताओ। जी, मेरा नाम माधुरी है। बदमाश हाथ से निकल भागा। कोई हर्ज नहीं। तो माधुरी, पहले गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस तरह अकेली छोड़कर नहीं जा सकती। आखिर मैं भी औरत हूँ। चलो ना, चलो बहन, चलो ना, बैठो, चलो चलो चलो। ड्राइवर गाड़ी चलाओ, जल्दी चलो। आप हार गए राजा जी। अजी, घर की रानी से जीत कौन सकता है? मैं तो रस्म अदा कर रहा हूँ। मर्द औरतों को बनाना खूब जानते हैं। और नाज नखरे भी तो मर्द ही उठाते हैं। बड़े वो हैं आप। पिताजी, माता जी, आओ आओ आओ। ये मेरी नई सहेली माधुरी है। बेचारी बच्चे के साथ रास्ते में जा रही थी कि एक लफंगा पीछे पड़ गया था। इतने में मैं वहां पहुंची और बचाकर अपने साथ ले आई। बहुत नेक काम किया बेटा तूने। आओ बेटी, बैठ जाओ। यहां नहीं, ऊपर बैठो ना। कितना प्यारा बच्चा है। पिताजी, ये अब हमारे साथ रहेगी। हाँ हाँ, बहुत नेक ख्याल है, मगर कब तक? माधुरी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, कोई सहारा नहीं है इसका। यहां रहेगी, मेरा भी दिल बहलता रहेगा और इसके दिन भी गुजर जाएंगे। मगर ये कैसे हो सकता है? 20-25 दिन की बात होती तो। बहन, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो। ठहरो, अजीब आदमी हो। बेचारी नन्हे से बच्चे को लेकर कहां कहां भटकती फिरेगी। हैं? अजी, मैं कहती हूं इसे भी भगवान की देन ही समझो। मान जाइए ना पिताजी। बड़ा नेक ख्याल है तुम दोनों का। बेटी, तुम मेरी लाडली की सहेली बनकर इस घर में जब तक दिलाए रह सकती हो। आप कितने अच्छे हैं पिताजी। दिल के दो हर्फ हैं और वो भी जुदा एक से एक। बसंत भैया, आखिर कब तक इस तरह परेशान रहोगे? क्या बताऊं आनंद, किस तरह फाश मोहब्बत का भला राज न हो। शीशा पत्थर पे गिरे और फिर आवाज न हो। बसंत बाबू, गए हम ना तुम्हें भूल सके। तुम हमें भूल गए हम ना तुम्हें भूल सके। तुम हमें भूल गए। मेरा टूटा हुआ दिल
जाकर एक बार तो उनको ये पैगाम सुनाओ जाकर, तुम हमें भूल गए हम ना तुम्हें भूल सके, तुम हमें भूल गए हम ना तुम्हें भूल सके, तुम हमें भूल गए। ऐ हवा जाना जरा उनकी गली से होकर, वो मेरा हाल जो पूछे तो ये कहना रोकर, तुम हमें भूल गए हम ना तुम्हें भूल सके, तुम हमें भूल गए हम ना तुम्हें भूल सके, तुम हमें भूल गए। तुम तो मिलते ही नहीं, हम याद से मिल लेते हैं, तुम तो सुनते ही नहीं हम याद से कह देते हैं, तुम हमें भूल गए हम ना तुम्हें भूल सके, तुम हमें भूल गए हम ना तुम्हें भूल सके, तुम हमें भूल गए। भैया गुजरा हुआ वक्त और बहता हुआ पानी कभी लौट कर वापस नहीं आता, तुम्हारी यह हालत अब मुझसे ज्यादा देर नहीं देखी जाती। मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि कमला गंगा जल की तरह पवित्र है, मगर मैं कैसे मानूं? अगर बच्चे का बाप होते हुए भी मैं नहीं जानता तो और कौन जान सकता है? ये मैं क्या सुन रहा हूं? हां भैया, कमला ने अपनी मरी हुई बहन की इज्जत बचाने के लिए मेरा पाप अपने सर ले लिया था। तुम्हारा पाप? मैं नहीं समझा अनंत। भैया तुमने ठीक कहा था, अंधेरे का खेल ठोकर के बगैर खत्म नहीं होता। ओह, तो गंगू ने जो कुछ कहा था वो बदमाश कमला को अपना बनाने के लिए एक दाव खेल रहा था। अच्छा, ये जूता तो मुनीम जी का है, यहां कैसे आ गया? हट। और वो कड़ा? ये कड़ा तो गंगू के हाथ का है। मैं समझ गया आनंद, मुनीम जी का फोन चौधरी ने नहीं बल्कि गंगू ने किया था। अब तुम जल्दी आओ मेरे साथ। क्यों लड़ रहा हो? देखो मेरे पास एक खाल है। हाँ मखा जाता हूँ। अबे ये एक रंग ही है, खैर आज तो मेरी किस्मत बदल रही है। क्यों बसंत बाबू, उस दिन वाली मार भूल गए थे जो फिर आए हो? नहीं, वो खूब याद है मुझे और आज मैं उसका बदला लेने आया हूँ। गंगू वो कुश्ती जो अधूरी रह गई थी आज मैं उसे पूरी करना चाहता हूँ। तो हो जा। अरे ठहरो भाई,
जरा चलने दो, लाने दो। अरे बाबा, जब मुफ्त में बगैर कौड़ी पैसे तमाशा देखने मिलता है तो फिर क्यों रोकते हैं? नो एंटरटेनमेंट है। भाई वाह गंगू महाराज, अगर जिंदगी में तुमने कभी सच बोला है तो वो आज अपने दोस्तों के सामने। वाकई आज से तुम्हारी किस्मत बदल गई, बस यूं समझो कि गए काम से। इस जूते को पहचानते हो? मैं क्या जानू किसका? मैं बताता हूँ, ये मुनीम जी का जूता है, पकड़िए। और गालिबन आप ये कड़ा तो जरूर पहचानते होंगे, ये तो गंगू का कड़ा है। झूठ है, झूठ है। ये कहां से मिला आपको? नदी पर से, जहां गंगू ने चौधरी के छुरे से मुनीम जी का खून किया था। मैंने किसी का खून नहीं किया। आपका कहां जाएगा? खड़ा हो इधर। गंगू, तूने बेगुनाह चौधरी को फंसाया, कमला को बर्बाद किया और मेरी दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया। अब तू बचकर नहीं जा सकता। जग्गू दादा, गिरफ्तार कर लो इस खूनी को। हम तो कब से सोच रहे थे कि इस 420 को किस तरह तड़ीपार किया जाए। आज मौका मिला है, बेचारे चौधरी को जेल का मुंह देखना पड़ा। क्यों, अब तू भी आंखें दिखाने लगा? चुप, हाथ खड़े लगाओ जी। हाँ तो मैं सच कहता हूँ ना तू, जब गंगू कलकत्ते में पुलियों का सरदार था ना, तो ऐसी हथकड़ी रोज पहना करता था। अरे दादा, बहुत देर हो गई, भगवान कसम बीड़ी नहीं थी, एक बीड़ी तो यार पिला दो। लो ले, पी ले बेटा, फिर मौका कभी नहीं मिलेगा। हाँ पिला दो। गली नहीं डाला, जला भी तो दो। हाँ बहुत चल रही है। गर्मी बहुत है दादा आज। खबरदार, अगर आगे कदम बढ़ाया तो दूसरी टांग भी तोड़ डालूंगा। बाप रे, इंतजार कर रहा था मेरी लीला। कमला, तुम? जी हाँ मिस्टर बिहारी लाल उर्फ गंगू। मगर तुम, तुम्हें? घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस वक्त तुम्हारे पापों की सजा देने नहीं आई। तो फिर? मैं तुम्हारी इंसानियत का इम्तिहान लेने आई हूँ। ओह, इम्तिहान, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ ये कि तुम लीला का ख्याल छोड़ दो। ओह, लीला का ख्याल, तो तुम्हें यह भी मालूम हो चुका है कि मैं और लीला दोनों? हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ गंगू। लीला की शादी बसंत बाबू से तय हो चुकी है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे जीते जी उनके दिल को कोई सदमा पहुंचे। तो लीला का ख्याल छोड़ दूं, मगर एक शर्त है। और वो शर्त? यही कि लीला की बजाय तुम मेरी बन जाओ। हंसो नहीं कमला, बरसों से दबी हुई चिंगारी को आज तुमने फिर से भड़का दिया है, अब भी वक्त है। कमला। गंगू, कमला वो गांव की गंवार लड़की नहीं रही। 5 साल के अरसे में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, तुम जैसे भेड़ियों के पंजों से किस तरह बचना चाहिए ये अब मैं अच्छी तरह जान गई हूं। और ये भी ना भूलो गंगू,
कि अब कमला जो चीज चाहती है उसे हासिल करके ही रहती है। उसे हासिल करके ही रहती है। कमला खबरदार, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम गंगू पर हाथ उठा रही हो। बिहारी, मैं अंदर आ सकती हूँ? ये लीला की आवाज है। कमला तुम कहीं छुप जाओ। बिहारी, मैं अंदर आऊं? कमला ईश्वर के लिए कहीं छुप जाओ। अब ईश्वर याद आने लगा? जल्दी करो वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें क्या हुआ? बिहारी के साथ? लीला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये सब इसकी चालबाजी है, मैं सच कहता हूं। लीला, लीला सुनो तो। कमला, तुमने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ा है। याद रखो, मैं तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं अपनी चीख पुकार से सबको जमा कर लूंगी। गंगू, उस दिन तुमने मुझे 24 घंटे की मोहलत दी थी, आज वही मोहलत मैं तुम्हें देती हूँ। कल 12 बजे से पहले तुम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाओ, वरना मैं सबके सामने ये भांडा फोड़ दूंगी कि मिस्टर बिहारी लाल कलकत्ते के मिल मालिक नहीं बल्कि कुलियों का सरदार था। भगवान कसम।
बैग में क्यों रखती हो? इसलिए कि हमें यहाँ से जाना होगा। जाना होगा? हाँ प्रताप। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया माँ। भगवान तुझे जवान करे, उस वक्त मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगी, मगर इस वक्त मेरी बात मान ले बेटा, मेरे साथ चल। मेरी अच्छी माँ, तुम जो कुछ कहोगी मैं वो ही करूंगा। मैंने कहा देखो तो आज तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। सच कहूं लीला की माँ, जैसे तुम लग रही थी जब सामलदास के मकान में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारा बचपना कभी जाएगा भी या नहीं? अरे हाँ, आज माधुरी दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? मैं क्या जानू, वो लोग आते ही होंगे, मैं जरा देखूं। दूसरी ले दूंगी। नहीं माँ, मुझे तो वही मोटर चाहिए। लेकिन प्रताप, हम अंदर नहीं जा सकते। डरो नहीं माँ, इस तरह उठा लूंगा कि कोई भी मुझे देखने न पाए। प्रताप, ठहरो प्रताप। बस यूं ले आया। जी, बसंत बाबू आए हैं और साथ में आनंद बाबू भी हैं। पधारिए पधारिए, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। बेटी नमस्ते करो। नमस्ते। 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 ये तो वाकई तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। बैठिए बैठिए। अरे माधो, वो चाय मिठाई सब कुछ जल्दी से ले आ, जा मुखिया देखता है। चलो चलो जल्दी लाओ। आजकल जरा गर्मी ज्यादा है। जी क्यों आनंद बाबू, रसगुल्ले मीठे तो है ना? जी हाँ, मगर भाभी रसगुल्ले से ज्यादा मीठी। बड़े हसमुख हो तुम। जी कुछ आदत ही ऐसी है, मैं दिवाली में पैदा हुआ था। अरे बेटा, तुम तो कुछ खाते ही नहीं। जी जी हाँ, मैं खा तो रहा हूं। भैया गए काम से। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे पानी ला पानी। एक मर्तबा चला लूं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे जरा ऊपर काम है, अभी आती हूँ। चलो ना, तिजोरी कौन खोलेगा? तिजोरी? ओ, आनंद बाबू, आपको कुछ किताबों वगैरह से शौक नहीं? जी किताबें? हाँ हाँ, चलिए मैं आपको अपनी लाइब्रेरी में ले चलूं। ओ साहब, किताबों किताबों से तो बंदे को सख्त नफरत, मगर हाँ बागवानी से बहुत शौक है। सच तो ये है कि जब तक एक घंटे में दो दफा फुलवारी और क्यारी के चक्कर न लगा लूं, खाना हजम नहीं होता। ये समझ लीजिए कि गए काम से। हाँ।
टाटा। मगर छोटा भाई भी कुछ कम नहीं है। कम कैसे हो सकता है जबकि दोनों की रगों में एक ही माता पिता का खून दौड़ा है। अब बिल्कुल ठीक कहती हो रानी, बिल्कुल ठीक कहती हो। बड़ी गर्मी है रानी। फिर खिड़कियां क्यों बंद कर रखी है? ओहो, इस तरह कहती हो जैसे कि मैंने ही बंद कर रखी है। अच्छा जाओ जल्दी से खोल दो। और नहीं तो क्या, खिड़की में से कूदने थोड़ी जा रहा हूँ। बड़े शरीर हो जी तुम, अभी कुछ हो जाता तो कहाँ जाता है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। माँ, माँ। कहाँ है तेरी माँ? ले चल मुझे उसके पास, दो चार ऐसी सुनाऊं जो याद करे। बच्चे को इस तरह अकेला छोड़ा जाता है? खबरदार जो मेरी माँ को कुछ बुरा भला कहा। अच्छा जी। हाँ, मैं गुस्से का बहुत खराब हूँ। भाई वाह, जब तुम इतने तेज हो तो तुम्हारा बाप तो एटम बम होगा। अब मेरे बाप का भी अपमान करने लगे, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ? अच्छा बाबा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ले तौबा भी करता हूँ। बस अपने कान भी पकड़ लो। ले बाबा कान भी पकड़ लिए। अब तू ये बता कि तेरे पिता महाशय कहाँ हैं? वो प्रदेश गए हैं। माँ कहती है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा वो वापिस आएंगे। तो तू मुझे अपनी माँ के पास ले चल। एक शर्त पर। वो क्या? आपको मेरी माता जी के सामने बहुत अदब से बात करनी होगी, वरना समझ लीजिए कि गए काम से। अच्छा बाबा मंजूर, सौ सौ बार मंजूर। चल तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं कि मेरे माता पिता ने पसंद किया है। और आप? मैं आप किसी और को पसंद कर। जी जी। मगर मुझसे जी हाँ, मोहब्बत अक्सर जी मैंने अपना बना रहा था, अगर खुद को अपने से दूर कर दिया तो हम दोनों की तकदीर एक ही कलम से लिखी गई है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मालूम होता है। मैंने कहा जी जी कम मुझे बीती तो सुनाइए। सुनिए। नमस्ते देवी जी, ये बच्चे को इस तरह अकेला छोड़ा जाता है? मैं आनंद, बसंत बाबू छोटा भाई। कैसे पहचान? की तस्वीर भैया रात दिन पूजा किया करते हैं। और ये बच्चा? ये बच्चा मेरा है। नहीं कमला, तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो। ये बच्चा मेरा है।
जब ही तो इस कदर चालाक है। माँ तो क्या ये मेरा पिताजी? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा बदनसीब बाप। जब ही तो ईश्वर ने तुम्हें मेरी गोद में गिरा दिया था। चलो कमला, तुम दोनों मेरे साथ चलो। आपने मेरी गरीब बहन को अपने स्वार्थ का शिकार बनाया, अब मुझे भी धोखा देना चाहते हैं? नहीं कमला, मैंने जवानी के अंधेरे में इतनी बड़ी ठोकर खाई है कि जिस पर उम्र भर खून के आंसू रोता रहूंगा। ईश्वर के लिए तुम दोनों मेरे साथ चलो। ये मुझसे नहीं हो सकता, मेरा आखिरी फर्ज बाकी है। मैं समझा नहीं। बसंत बाबू का घर बसाने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम औरत नहीं देवी हो कमला, मगर जाने से पहले मुझे अपने दिल का हाल तो बताती जाओ। तो सुनो। दिल खरीदा नहीं जा सकता लीला, इस तरह हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हें मिस्टर बिहारी लाल के पास ले जाता हूँ, शायद तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाए। आइए। बसंत बाबू जी। कहिए क्या खबर है? जी बहुत अच्छी। अगर आपकी इजाजत हो तो हम दोनों जरा सैर करना है। हाँ हाँ जरूर जरूर। जाओ बेटी, अच्छी तरह सैर करके आओ। तो एक मुजरिम है और पुलिस से भागता फिरता है, ये मुझे नहीं मालूम था। मुनीम जी का खून भी उसी ने किया था। तो क्या पिताजी जेल में नहीं? नहीं तो, वो तो बसंतपुर में। वो देखो, बसंत और लीला जा रहे हैं। मुझे शक हो रहा है वो लोग जरूर गंगू के यहां जा रहे हैं। टैक्सी, कम हियर। चलो बेटा, चलो कमला। मगर कहां लिए जा रहे हैं? वहां जहां मुझे अपने पापों के प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। चलो। ड्राइवर जल्दी जाने दो। चलो। मार दूंगा। हाँ मैं वही गंगू हूं, सिर्फ फर्क इतना हो गया है कि कल तक मैं कंगाल था, आज मेरे पास दौलत है, इज्जत है, शान और शौकत है। बसंत, आज तक तुम मेरे रास्ते का कांटा बने रहे हो, मगर आज मैं इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दूंगा। जिन हाथों ने मुनीम जी का खून किया, जिस बुद्धि ने तुमको कमला से छुड़ाया, आज वही ताकत तुमसे लीला को भी छीन लेगी। खामोश! कमला का नाम लेकर तूने मेरे जख्मों को फिर से हरा कर दिया है गंगू। फसल, अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरा रास्ता छोड़ दो। मिस्टर, कहाँ जाते हैं आप? अंदर। आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? नहीं। अच्छा। गंगू, मैं तुझे पुलिस के हवाले करके ही रहूंगा। इससे पहले कि तुम मुझे पुलिस के हवाले करो, मैं तुम्हें माफ के हवाले किए देता हूं।
रास्ते हो तो भागने की कोशिश मत करना। जाओ बेटा, कोई चीज तो लाओ इसे बांधने के लिए। अभी ले आया चाचा। क्या ठीक है चाचा? बिल्कुल ठीक है, बांध दो इसके टांगे। घबराओ नहीं लीला, गोली मेरे हाथ में लगी है। देखो बेटा, अब तुम इस बदमाश का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कहीं भाग दे। बहुत अच्छा चाचा। अनंत, चिंता ना करो भैया, मैं ठीक हो जाऊंगा। कमला, तुम यहां कैसे? कमला, इसका नाम तो माधुरी है। कमला का हो या माधुरी, बात एक ही है भैया, कमला औरत नहीं, देवी है देवी। देखिए, ज्यादा खून ना बहने पाए। खून नहीं, ये वो पवित्र पानी है कमला, जिससे मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। यहाँ बेटे, भगवान कसम बड़ी देर हो गई है बेटे सिगरेट नहीं पी, जेब में पड़ी है, जरा निकाल देना। जा जा, किसी और को बनाना, मैं सब जानता हूँ, सीधे बैठे रहो नहीं तो चाचा को आवाज देता हूँ। चाचा, अरे अरे बस मत निकाल, चिल्लाता क्यों है? निकाल। कमला, मैंने तुम्हें समझा तो सही, मगर बहुत देर के बाद, मुझे माफ कर दो। और गुनाहगार न कीजिए मुझे, कल तक तो मैं आपकी दासी थी, आज से चरण दासी थी। बालू, ओ पुलिस वाले साहब, ओ पुलिस वाले साहब, देखो होशियार रहना, इससे बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं देना, ये बड़ा 420 है, भगवान कसम। सुन लिया, भगवान कसम। चला। अरे चल चलो भाई चलो। शाह जी, मुझसे भूल हुई, भाग का लिखा होकर ही रहता है, और अब तो आपके दामन से खून का धब्बा भी मिट गया। हमारी आशा है कि अब आप इस मकान को अपना ही मकान समझकर यहीं रहेंगे। हाँ हाँ, ठीक ही तो कहते हैं। नहीं जमींदार साहब, मुझे अपना वही गांव पसंद है, बच्ची आपके सुपुर्द है, उसका ध्यान रखना। आता है जिंदगी में भला प्यार किस तरह, भला प्यार किस तरह, आता है जिंदगी में भला प्यार किस तरह, भला प्यार किस तरह। आंखें उठाओ फिर मैं बताऊंगा इस तरह, बताऊंगा इस तरह, आंखें उठाओ फिर मैं बताऊंगा इस तरह, बताऊंगा इस तरह।